अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर आकर सिद्दीकी के साथ जनाब, आज के जो टॉपिक है वो मुझे इस पर बात करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा ही है कि इंडिया के धोखेबाज कैनेडियंस और अमेरिकन्स को लाखों डॉलर का माहाना चूना लगाते हैं। और ये बात ऐसी बात है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ कि बहुत से लोग हो सकता है इस बात को जहन में लेकर आएँ कि जनाब सिद्दीकी साहब का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है, इंडिया से ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल अगेंस्ट में इंडियन पाकिस्तानी हमेशा से हैं, और इस वजह से शायद ये बात कर रहे हैं। नहीं जनाब, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, इसके ऊपर वीडियोस बनी हैं, पूरी तहकीकात के साथ सारे एविडेंस मौजूद हैं, तो वो लिंक दूंगा दे रहा हूँ मैं, आप देखना चाहें ज़रूर देखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है, और इस गेम को मैं इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी साइबर सिक्योरिटी का या मैं एक सर्टिफाइड वाइट हैट हैकर भी हूँ। अब ये सर्टिफाइड वाइट हैट हैकर क्या होता है कि जनाब मुझे लाइसेंस है कि मैं चाहूँ तो किसी के भी जो है नेटवर्क को मैं हैक कर सकता हूँ और उनके डेटा में इजीली वहाँ से ले सकता हूँ। लेकिन लाइसेंस है ये उस वक्त जब मैं उस कंपनी को बताऊँ, उस कंपनी को पहले से इल्म हो इस बात का, या मैं उस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, इसको वाइट हैट हैकर कहते हैं। लेकिन जो दूसरे हैकर्स हैं जाहिर सी बात है वो आपकी कंपनी के सिस्टम में घुस के सारा डेटा उठा लेते हैं। अच्छा, ये तो एक वाइट हैट हैकर की बात होगी, लेकिन जो कॉल कर रहे हैं लोग और कॉल करके वो इंडिया में बैठे हुए हैं, ज़्यादातर लोग उमूमन दुनिया के बहुत सारे ममालिक से ये काम हो रहा है, लेकिन इंडिया से अनफॉर्चुनेटली ओवर 95% ऐसा ही है। अगर आप वीडियोज़ को जो लिंक में मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, जब उसको थोड़ा सा खंगालेंगे, देखेंगे, पूरा सुनेंगे, तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा इस बात का। तो हो क्या रहा है कि ख़ासतौर पर सीनियर सिटीज़न जो अमेरिका और कनाडा में बैठे हुए हैं, उनकी जमा पूंजी है, और लोग जानते हैं दुनिया में ज़ाहिर सी बात जमा पूंजी है, लाख, दो लाख, तीन लाख डॉलर होगी। वो क्या कर रहे हैं कि जनाब वो एक ईमेल कर देते हैं कि जनाब आपकी आउटस्टैंडिंग इस चीज़ के ऊपर इतना है, और वो ईमेल्स बाय करते हैं, पूरा बिजनेस है, और अंडरवर्ल्ड माफिया के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो मैंने वाइट हैट हैकिंग की बात की, साइबर क्राइम की बात की, साइबर सिक्योरिटी की बात की, तो सिक्योरिटी का मेरा जो ताल्लुक है कि वो जो क्राइम्स हैं उनको रोकना है, और वो क्राइम्स किस तरह से होते हैं कि मिलियंस ऑफ लोगों का डेटा स्टील कर लिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है अमेरिका कनाडा का, फिर वो जनाब जो अंडरग्राउंड माफिया है वहाँ पर वो सेल होता है, और वो सेल होने के बाद मुख्तलिफ जगहों पे पहुँचता है। इनफैक्ट वो जो पूरा का पूरा माफिया है वो पूरा का पूरा फ्रेंचाइज है बेसिकली, जैसे मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज है और दूसरे जगहों की, तो उस डेटे की ख़रीद फरोख्त पूरी मुकम्मल तौर पे जो है वो पूरा का पूरा इस तरह से सिलसिला चल रहा होता है। इसकी तफसील जो है बहुत ज़्यादा है, उसको एक इस तरह से इस वक्त बताना मुश्किल है। तो वहाँ से वो डेटा लेकर के जनाब, और खसूसन ख़ास तौर पे जो CRA का डेटा है, कैनेडियन रेवेन्यू एजेंसी का जो है, वो डेटा जो है वो भी वहाँ पे हैक होके सेल होता है। उसके बाद बहुत सारी जो कैनेडा में जो लोग रहते हैं वो बिल्कुल जानते हैं कि किसी ना किसी को, बल्कि यूँ कहूँगा हर कैनेडियन को एक से दो दफ़ा ये कॉल ज़रूर आई होगी कि उनका जो है एक मैसेज छूटा हुआ होता है वॉइस मेल में, या डायरेक्ट कॉल आती है वो ऑटोमेटेड कॉल होती है कि जनाब कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी का जो है आपके जो ड्यू अमाउंट है लेस से 30,000-40,000 डॉलर है, और आपने अगर कॉल बैक नहीं किया तो आपके ऊपर वो चार्जेस पेनल्टी डबल हो जाएगी, आपको 5 से 7 साल की कैद भी हो सकती है। तो बंदा क्या करता है, वो उसको कॉल बैक करता है, उनसे बात करता है, तो फिर वहाँ से बेसिकली वो सिलसिला शुरू होता है। उनके बहुत सारे हथकंडे होते हैं, बहुत सारे ट्रिक होते हैं, आप अगर वीडियो में देखेंगे नीचे जो लिंक मैंने प्रोवाइड किया है तो उसमें एविडेंस देखेंगे कि कुछ लोगों के 100,000 डॉलर 120,000 डॉलर भी वो लूज़ कर चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें ज़्यादातर सीनियर सिटीज़न भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे यंग लोग भी हैं जो कि जिनकी उम्र 30-35 साल है, और आई डोंट नो उनको ये बात समझ में नहीं आती है। जबकि यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कनाडा जब आप आ गए हैं या आ रहे हैं तो पूरी की पूरी मालूमात लेकर आएँ, क्योंकि वो मालूमात बहुत ज़रूरी है आपके लिए, उन मालूमात के बगैर जो है वो सारी की सारी चीज़ें मुकम्मल नहीं हो सकती। वो मालूमात मैं आपको वक्तन फराहम कर रहा हूँ, जैसे कि पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जनाब स्कैम कॉल से होशियार रहें,
उसमें मैंने कहा था, बताई थी ट्रिक कि अगर कोई स्कैम कॉल्स इस तरह की आती हैं तो उसको कैसे निमटना है। मैं आपको अभी दोबारा जो है उसमें रिपीट कर दूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिलसिला जो है बड़ी तेज़ी के साथ, आज से नहीं बहुत ज़माने से चल रहा है। मुझे कितनी कॉल्स आ चुकी हैं, मैं कितने लोगों को जानता हूँ उनको कॉल्स आ चुकी हैं। कुछ लोगों को ऐसे जानता हूँ उन्होंने जो है हज़ारों डॉलर भी उसमें लगा दिए हैं, क्योंकि वो ऐसी थ्रेटनिंग कॉल होती है कि जनाब आपके पास कॉल आ रही है और आपके हस्बैंड बाहर हैं, या वाइफ या बेटा बाहर है, या बेटी बाहर है, कहीं और किसी और काम में है। उनके पास कॉल आने के बाद, यानी आपके पास कॉल आने के बाद, जैसी बात है उनके पास डाटा मौजूद है, उनको ये मालूम है फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, कौन कहाँ जाता है, काम के लिए जाता है, वो कॉल आती है और वो आपको जो है ये थ्रेट भी करते हैं कि वो बंदा यानी आपका शौहर या आपका बेटा किसी जगह पे है और उसको वहाँ पे जो है वो होल्ड कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है उसको जो है, क्योंकि उसके ऊपर जो है इतनी ज़्यादा पेनल्टी थी उसकी CRA की या कोई भी है, उसको वहाँ पे हमने होल्ड करके रखा है और आपको रिलीज़ कराने के लिए इतने पैसे यहाँ भेजने पड़ेंगे, अदरवाइज़ यू विल बी इन ट्रबल। और जब आप उन अपने और आपको इतना इंगेज करके रखते हैं कि आपके और कुछ समझ में ही नहीं आता है, ये इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं। दूसरा, जो सीनियर सिटीज़न के पास कॉल आती है, उनके पास कॉल इसी तरह से आती है कि जनाब आपका जो है CRA यानी कैनेडियन गवर्नमेंट रेवेन्यू एजेंसी जो है, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू एजेंसी है, उनके ड्यूज़ थे आपके 10-15 हज़ार के, लेकिन लास्ट 15 ईयर्स में आपने उसको कंसिडर नहीं किया, आपने देखा नहीं, किसी वजह से आपसे मिस हो गया, आज वो 40,000 या 50,000 डॉलर है। और वो आपको जो है ना बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, कैसे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। बिटकॉइंस का आजकल सिलसिला बहुत ज़्यादा है कि बिटकॉइंस मशीन बहुत सारी जगह पे लगी हुई हैं। अब बिटकॉइंस का सबसे बड़ा फ़ायदा इनको जो स्कैमर्स हैं, जो धोखेबाज हैं, वो कॉल करते हैं, उनको फ़ायदा इसलिए इस तरह से होता है कि उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ से जो है वो इनिशिएट किया गया और वो कहाँ गया, क्योंकि वो बिटकॉइन का कोई अकाउंट नंबर हो नहीं होता, तो वो बड़ा इजी कैच है। अच्छा, बिटकॉइंस की मशीनें हर जगह लगी हुई हैं और आप इत्मीनान से अपने पैसे का जो ATM कार्ड है, वो ATM कार्ड वहाँ जाके यूज़ कर सकते हैं। उस ATM कार्ड से बिटकॉइन परचेज होगा पहले, फिर वो बिटकॉइन जो है उनके पास ट्रांसफ़र होगा, वो बिटकॉइन से फिर रीट्रांसफ़र, इट विल रीकन्वर्ट टू द मनी। लेट्स से किसी के पास कॉल आती है कि जनाब $10,000 जो है आपने पे करने हैं और आप इस जगह पे पूरी लोकेशन आपको बताएंगे एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे है, और वो आपको बताते रहेंगे जो कॉप जो है वो अंडरकवर जो है, जो पुलिस है अंडरकवर आपको फॉलो कर रही है, आपको सारी चीज़ें आपकी एक्टिविटीज़ देख रही है। अगर आपने ऐसा ना किया यू विल बी इन ट्रबल, आपको जेल भी हो सकती है, आपको पेनल्टी बढ़ जाएगी, 10,000 से 15,000 हो जाएगी। तो आप वहाँ पर जाते हैं, वो मशीन पर ATM जो कार्ड है अपने स्वाइप करते हैं, अपना पिन कोड डालते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप रेगुलर मनी से डॉलर से पे कर रहे हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन होता यह है कि वो उससे जो है बिटकॉइन जो है वो आपके मनी से परचेज होते हैं, फिर वो जो इनिशिएट जिसने कॉल की है वो इंडिया में है या कहीं, असल ये मनी का जो सिलसिला है ऑल ओवर द वर्ल्ड है, वो भी मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। तो वो बिटकॉइन उसके पास ट्रांसफ़र होता है, फिर अदर एंड पे वो बिटकॉइन से डॉलर जो है वो उसमें कन्वर्ट होता है और डॉलर्स उनको मिल जाते हैं, या फिर बिटकॉइन की मद में वो अपने पास रखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि उसको बिटकॉइन को ट्रेस करना बहुत मुश्किल काम है, तो इसीलिए वो बिटकॉइन पे ही सारी की सारी ट्रांजेक्शन करते हैं। इन फ्यूचर हो सकता है कि सारा का सारा मामला फाइनेंस का, पैसे का, मनी का जो है वो बिटकॉइन पे ही स्विच हो जाए। आपको मालूम ही है आज के बिटकॉइन की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। तो इस तरह से बहुत सारी कंप्लेंस जो है यहाँ पुलिस को और अमेरिका में पुलिस को दी गई है। पुलिस की जो RCMP है, जो एक दूसरा इदारा है, वो इसके ऊपर काम कर रहा था। रिसेंटली ये पता लगा कि उस इदारे को या उस वो इदारा जो इन्होंने बनाया था काम करने के लिए, उसको भी इन्होंने डिसॉल्व कर दिया है। वो इदारे को डिसॉल्व करने का मकसद मेरी समझ में नहीं आता कि जब वहाँ पे एक इतने बड़े स्कैम की, इतने बड़े धोखेबाजी की जब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो वो इदारा जो है कैसे डिसॉल्व हो सकता है। RCMP के उस इदारे का कहना है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट मजीद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पावर्स नहीं है। तो कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या वजह है, क्योंकि उमूमन हम पाकिस्तान वगैरह में देखते हैं जब इतनी बड़ी बड़ी इंक्वायरीज होती हैं तो उनके बड़े बड़े इदारे जो हैं उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है ड्यू टू द पॉलिटिक्स। क्या ये पॉलिटिक्स कैनेडा और इंडिया के दरमियान भी चल रही है? आई हैव नो क्लू। मैं ख़ुद क्लूलेस हूँ इस चीज़ में, मैं ख़ुद परेशान हूँ। मैं पिछले 25 साल से यहाँ रहता हूँ, लास्ट 10 ईयर्स में जो है इस तरह की चीज़ें खुसूसन इंडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं।
आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं बड़ा ही इनसिक्योर फील करने लगा हूँ कि एक ऐसी जगह जो कि पिछले एक ज़माने से हम यहाँ पे रह रहे हैं, जो मेरे साथ लोग आए या उससे पहले आए हैं, और अब वो बड़ी इनसिक्योरिटी फील करते हैं। और सिर्फ ये एक धोखेबाजी इस कॉल्स की या पैसे ऐंठने की नहीं है, बहुत सारी धोखेबाजियाँ या स्कैम्स अब कनाडा और अमेरिका में बहुत आम होती जा रही है। अमेरिका को बार बार मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी हो रही है, लेकिन अब मुझे इसको कनाडा को अमेरिका से इसलिए अलग कर लेना चाहिए कि अमेरिका में ये चीज़ें बहुत ज़माने से हैं, आज से नहीं है। क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा इलीगल लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा, और कनाडा में बहुत रेयर। लेकिन अब पिछले 10 से 15 साल में यहाँ पे सिलसिला, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, वो अमेरिका की तरह ही होता चला जा रहा है। लेकिन आज भी कम है, लेकिन हु नोज इन फ्यूचर जो है इस तरह की चीज़ें, मुझे डर है कि वो बढ़ती चली जाएंगी, अल्लाह ना करे। क्योंकि एक ऐसा पीसफुल जगह हमें मिली हुई थी जहाँ हम रह रहे थे, अमेरिका से हर साल ना जाने कितने ही लोग कनाडा माइग्रेट करते हैं, कनाडा में पनाह लेने के लिए, कनाडा की सिटीजनशिप वो लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कनाडा से अमेरिका गए हैं, कि अमेरिका जो है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी, धोखाबाजी और स्कैम के मामले में जब वो 2-4 साल रह करके वापस दे केम बैक टू कनाडा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम कनाडा में ही स्टे करेंगे, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेहतर जगह है। तो जनाब, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ मैं उनको ये बात भी बता दूँ, जो यहाँ रहते हैं, आपके पास स्कैम कॉल आती हैं, मैं आपको ट्रिक और टिप दोबारा दे देता हूँ। आपकी कैनेडियन रेवेन्यू एजेंसी से कोई भी कॉल आए, और मैं आपको बता दूँ कैनेडियन रेवेन्यू एजेंसी यानी CRA कभी भी कॉल नहीं करती, या तो आपके पोस्ट बॉक्स में वो आपको मेल पोस्ट करती है, या आपको ईमेल करती है कि आप अपने CRA लॉगिन करके उसमें इंफॉर्मेशन देखें जो हमने ईमेल भेजी है, या हमने हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट है, पहली बात। दूसरी, अगर पुलिस से आपको कोई कॉल आए, पुलिस आपको कॉल नहीं करती, पुलिस भी आपको कोई ना कोई मैसेज करवाती है, करती है मैसेज, पुलिस की कॉल आज तक मुझे नहीं आई, जो भी आई है वो हमेशा स्कैम कॉल आई है। तो आप याद रखें, जब भी इस तरह की कॉल आए, इसको एंटरटेन ना करें। आपके पास मैसेज छूटा हुआ है कि इस नंबर के पे कॉल करें, इस नंबर पे कॉल, उस नंबर पे कॉल ज़रूर करें, जैसे कि मैं मज़े लेने के लिए करता हूँ। जब वो मुझसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आपने मैसेज छोड़ा, आप मुझे नाम बताएं। बहरहाल मैं दूसरे नाम, जो झूठे नाम हैं, मैं उनको बताता हूँ। उसके बाद मैं उनको कहता हूँ मैं आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप माइंड ना करें। तो वो कहते हैं आप रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, तो मैं उनको ये कह देता हूँ जनाब, मैं अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी रीजंस मैं इसको कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे। और वो फौरन वहाँ हैंग अप कर देते हैं फ़ोन। तो ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद इंडिया पे इल्ज़ाम लगाना या अपने खुदा नखास्ता जलसी का इजहार नहीं है। मुझे ये बात परसों मेरे एक दोस्त हैं, इंडिया से ताल्लुक है, वो इस चीज़ के ऊपर वो खुद तंग है, क्योंकि उनके मुल्क का नाम जो है, उनके मुल्क की अपनी शनाख्त और उनकी इंटीग्रिटी जो है वो स्टेक पे है। वो जब लोग, वो कहते हैं कि जब लोग मुझसे मिलते हैं, तो वो हमेशा इस बात का जिक्र ज़रूर करते हैं कि यार ये इंडिया से क्या हो रहा है, यहाँ कनाडा अमेरिका को वो लोग तबाह कर रहे हैं। तो इस बात पे वो खासे नाला थे, 2 दिन पहले खासी उन्होंने बातें कहीं। और फिर मैंने सोचा कि कम अज़ कम एक पेनलेस तरीके से, या फिर गैर महसूस तरीके से, कि लोगों को इस चीज़ का जो है बहुत दुख भी ना हो, मैंने कोशिश की है कि बहुत प्यार के साथ, बहुत अच्छे अल्फाजों में जिक्र कर दूं, ताकि ये चीज़ें जो है आप लोगों को, आपके लोगों के इल्म में भी आ जाएं, बल्कि इंडिया के जो लोग हैं उनके भी इल्म में आ जाए कि यहाँ किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया से जो है अमेरिकन और कैनेडियंस को ही, जो गोरे हैं उनको ही स्कैम करें, आप भी इस स्कैम की जद में आ सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं। और जब ईमेल्स आपके पास बहुत सारी आती होंगी, कि जब वेस्टर्न यूनियन की के हवाले से आती होंगी, UPS के हवाले से आती होंगी, टेक्स्ट मैसेज आपके फ़ोन पे आते होंगे, वो भी स्कैम्स हैं। अब उसमें जो है वो भेजते हैं, तो मतलब उनके पास लिस्ट है, वो लिस्ट में भेजते हैं। हो सकता है आपका ताल्लुक इंडिया से हो सकता है आप इंडिया से आप आकर के पिछले 45 साल से यहाँ रहते हों, आप भी उनकी स्कैम की जद में आ सकते हैं। तो बराए मेहरबानी इस मैसेज को जितना ज़्यादा हो सके फैलाएं, बिल्कुल भी मुझसे जेलस भी ना हो, जेलस इन द सेंस के जनाब ये पाकिस्तान से उसका ताल्लुक है, और यहाँ पर जो है इंडियंस के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत फैलाने में जो है वो उसका किरदार अदा करता है। मेरी 64 वीडियोज़ हैं, आप सारी वीडियोज़ खंगाल के देख लीजिएगा, कोई एक भी
अल्फाज या बात इस तरह की आपको बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं मिलेंगी। आप ज़रूर मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, आप देखें कि क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ है, कोई हेट मटेरियल है किसी भी नेशनलिटी के लिए। इंशाल्लाह ताला आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो मेरा आज का पैगाम जो है इतना ही था, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक का बटन दबा करके मुझे बताएं कि अगर आपको पसंद आई है, पसंद नहीं आई कॉमेंट में ज़रूर लिखें कि क्यों पसंद नहीं आ रही, क्या करना चाहिए मुझे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि जो है आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, चाहे वो इंडिया से हो ताल्लुक़, पाकिस्तान से, दुनिया के किसी मुल्क से हो, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। मेरी दुआ आपके लिए सिर्फ इतनी है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, शिफा दे, तंदरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।